हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे जीनिया के प्लांट्स और जीनिया की जो मैंने सीडलिंग्स लगाई थी, वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो सारी सीडलिंग्स देखिए उनकी अपडेट की कितने अच्छे से ग्रोथ ले रही हैं और सभी में बर्ड्स बन रही हैं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए ऑरेंज कलर और पिंक कलर के हैं दो मेरे पास, तो सारे सीडलिंग्स यहाँ पर लगा के रखी हुई है मैंने। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्सलेन और पर्चलुका के प्लांट के बारे में कि इसकी कटिंग हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पर्चलुका के प्लांट हैं और कहीं कहीं पे बर्ड भी बन रही है और यहाँ पर पर्सलेन भी है। तो ये देखिए, तो ये जो दो प्लांट मेरे पास रखे हुए हैं, दो पॉट हैं, इन सभी में पिछले साल काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस साल इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है। एक एक दो दो फूल खिलते हैं, ना के बराबर ही फ्लावरिंग है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए और इनकी कटिंग आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, सारी की सारी कटिंग 100% लग जाती हैं। इनके लिए कोई ख़ास मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर तरह की सॉइल में ये बहुत आसानी से चल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कटिंग कैसे लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इनकी छोटी से छोटी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो ये देखिए, कुछ कटिंग हम ले लेते हैं इनकी, तो आप देख सकते हैं कि प्लांट की हालत भी उतनी ख़ास नहीं है। तो क्या होता है कि जब मिट्टी जम जाती है, एक दो साल की मिट्टी हो जाती है, तो उसमें न्यूट्रिशन भी कम हो जाते हैं, इसके कारण भी प्लांट्स में फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं कुछ कटिंग ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पर्सलेन और पर्चलुका जो है, ये इन बहुत सी छोटी छोटी सी कटिंग से भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो जैसे एक कटिंग मैंने ली है, इनसे तीन चार कटिंग भी लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से लगती हैं। तो ये देखिए, सारी कटिंग्स हमने ले ली और नीचे नीचे की पत्तियों को हटा दिया है। ये देखिए, क्योंकि अगर नीचे की पत्तियाँ आप नहीं हटाते हैं तो नीचे की पत्तियाँ मिट्टी में लगी रहती हैं, तो वो पीली पड़ जाती हैं, गलने लग जाती हैं, इससे कि अच्छा कि आप इसको हटा दें। ये देखिए, इसमें से भी मैंने हटा दिया है। तो इस तरह से हमको कटिंग को तैयार कर लेना है और इसके बाद फिर आपको मिट्टी तैयार करनी है। तो मिट्टी भी आपको कुछ ख़ास ऐसी मिट्टी नहीं लेना है, जिस तरह की हम सारे प्लांट्स के लिए तैयार करते हैं मिट्टी, उसी तरह की। बस ये ध्यान रखें कि वेल्ड्रन सॉइल हो और इसमें कंपोस्ट वगैरह थोड़ा सा आप मिक्स कर दें, जिससे न्यूट्रिशन बना रहे मिट्टी में। आप चाहे तो गोबर की खाद मिक्स कर सकते हैं इसमें, वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें खाद, गोबर की खाद मिलाई है, गार्डन सॉइल है सिंपल और सैंड है, काफ़ी पोरस मिट्टी बनी हुई है और सूखी मिट्टी है। तो कटिंग्स को एक एक करके लगा देते हैं। सूखी मिट्टी है और अच्छी भुरभुरी मिट्टी है, तो इसमें आपको कटिंग में होल करने के लिए ज़रूरत भी नहीं है, कटिंग लगाने के लिए आप इजीली हाथ से इसे लगा सकते हैं कटिंग्स। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारी कटिंग्स लगाती जा रही हूँ। तो आप चाहें तो मिक्स कलर लगा सकते हैं, पिंक, येलो, पर्पल, पिंक, इस तरह से कई सारी मिक्स कलर मैंने देखे। सभी को बीच बीच में अलग अलग से लगा दिया है, तो जब ये फ्लावरिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने मिक्स कलर लगा दिया है। और अब इसमें हमको करना है वाटरिंग। ये देखिए, इस तरह से आप अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। वैसे तो ये सक्यूलेंट वैरायटी का होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हर एक एक दो दो दिन के बाद भी पानी डालेंगे तो ये प्लांट अच्छे से चल जाता है। और अब लेकिन जब हम कटिंग लगाते हैं ना, तो मॉइस्चर बना के रखना पड़ता है इसमें, तब कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। और इनको सनलाइट में रखिए, अच्छी फुल सनलाइट में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, तो इसकी भी कटिंग अच्छी चल गई है, नई नई ब्रांचेस आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, जब फ्लावरिंग ना करे ये प्लांट, तो आपको इसकी मिट्टी को बदल देना है या फिर आपको अच्छा सा फर्टिलाइज़र वगैरह देना है, कंपोस्ट डालना है, तो और कटिंग कर देना है पूरी। उसके बाद आप देखेंगे नई ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।